और उत्तराखंड में जल्द दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन के नेताओं के साथ रायशुमारी में लिस्ट फाइनल हो गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी हो सकती है। सचिवालय में गोपन विभाग दर्जा प्राप्त मंत्रियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर सकता है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया जा सकता है। पहली लिस्ट में उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि होली से पहले ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी, साथ ही साथ रायशुमारी के बाद जल्द ही ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तो सरकार और संगठन के बीच रायशुमारी हुई है, जल्द दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट जारी होगी। सचिवालय में गोपन विभाग नियुक्ति लिस्ट जारी करेगा, साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इसमें नियुक्ति होगी। पहली लिस्ट में 50 साल से ऊपर उम्र के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो होली से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। तो इस लिस्ट को लेकर पूरी रायशुमारी पूरी हो चुकी है, जल्द ही दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लिस्ट सभी के सामने होगी। सचिवालय में गोपन विभाग नियुक्ति लिस्ट ये जारी करेगा, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इसमें नियुक्ति होगी। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 50 साल से ऊपर उम्र के कार्यकर्ता इस पहली लिस्ट में शामिल होंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। पौड़ी गढ़वाल के मंडलीय मुख्यालय में ये बैठक होगी। मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन, पौड़ी की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो सीएम धामी की अहम बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक होने वाली है। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी, साथ ही साथ दोपहर 12:30 बजे विकास योजनाओं की समीक्षा भी होगी। आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल के मंडलीय मुख्यालय में ये बैठक है सुबह 10:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे समीक्षा बैठक है। मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा होने वाली है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी पहल की गई है। दूसरे प्रदेशों के यात्रियों को उनकी भाषा में जानकारी मिलेगी। पर्यटन विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है और अलग अलग 7 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और दूसरे प्रदेश के श्रद्धालुओं को सही जानकारी देने के लिए कवायद शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को यह व्यवस्था मिलेगी। तो पर्यटन विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। 7 अलग अलग भाषाओं में ये साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।